हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स, जिसके द्वारा सिंप्लीफिकेशन के कठिन से कठिन और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले जानेंगे क्या है वो ट्रिक्स और उसके बाद सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करने वाला है क्या होता है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी डिजिट दिया हो यहाँ पे, जैसे हो गया 567, ठीक है, अगर आपका इसका डिजिटल सम निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है। 5 + 6 + 7, 6 5 11 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, ठीक है। 18 को जो है, अगर 18 के भी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे 8 1 9, तो यहाँ पे अगर आप जो है 18 के भी डिजिट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपका डिजिटल सम निकल के आने वाला है 9, ठीक है। तो यानी अंक को तब तक जोड़ते रहना है जब तक उस अंकों का योग क्या हो, एक सिंगल डिजिट तक ना बचे, ठीक है। सिंगल डिजिट हो गया वो अंक तो वही क्या हो गया, उसका डिजिटल सम हो गया या डिजिट सम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं डिजिटल सम के बारे में और ज्यादा। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं तो इनका हमें डिजिटल सम निकालना है। तो अगर बात करें यहाँ पे 24567 की, तो इसका अगर आप डिजिटल सम निकालते हैं तो इसके अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। सिंपली क्या करना है, इसको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 5 11 6 17 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, तो 24 हो गया। तो यहाँ पे आपस में जोड़ते हैं इनके अंकों को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, तो यही 6 क्या हो गया यहाँ पे, इसका डिजिटल सम हो गया। अगर बात करें 65536 के डिजिटल सम की, तो अगर आप जो है इसके अंकों को आपस में जोड़ दें सिंपली जैसे मैंने ऊपर जोड़ा था, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है निकल के आएगा, अगर आप जोड़ते हैं 11 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 16 3 19 19 6 25 25 हो गया इसका, और इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। तो आपस में अंकों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। तो अगर आगे जो है ये इस और भी एक डिजिट है यहाँ पे 432657, इसका भी अगर आप डिजिटल सम निकालें तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सिंपली इनके अंकों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो इनका डिजिटल सम निकल के आएगा यहाँ पे 4 3 7 2 9 6 15 5 20 7 27 27 आ गया, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो इनका डिजिटल संख्या आ गया 9। इस तरह से देखा आपने, हमने डिजिटल सम फाइंड आउट किया। और आप देख रहे हैं कि हम बार बार जो है हम क्या कर रहे हैं, अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं, और जब तक जोड़ा है हमने जब तक उन अंकों का जो है सिंगल डिजिट न बच जाए। तो यहाँ पे देखिए इतनी डिजिट थी, लास्ट में मैंने जोड़ते जोड़ते यहाँ पे सिंगल डिजिट 6 बचा, उस तरह से इसका 7 इसका 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिजिटल सम आपको निकालना है। तो चलिए आइए जानते हैं और भी ज्यादा जल्दी तरीके से डिजिटल सम को कैसे निकालेंगे। तो अगर हम बात करें डिजिटल सम की, तो अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 9 से भाग दे देते हैं, जितना वहां पे रिमाइंडर या शेष बचता है वहां पे, तो वही संख्या क्या हो जाएगी वहां पे, उसकी डिजिटल सम हो जाएगी। जैसे मान जाइए यहाँ पे 625 यानी 625 का हमें डिजिटल सम निकालना हो जाएगा, तो डिजिटल सम निकालने के क्या करेंगे, 6 + 2 + 5 कर देंगे, 6 + 2 + 5 करेंगे यहाँ पे। तो अगर इसको इसके अंकों को आपस में जोड़ रहे हैं तो 6 2 8 5 13 और 13 के अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो आज का डिजिटल सम क्या जाएगा, 4 आएगा। डिजिटल सम क्या जाएगा यहाँ पे, 4 आएगा, ठीक है। तो 625 का देखिए डिजिटल सम क्या आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। अगर इसको जो है मैंने बताया है अभी कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे रिमाइंडर या शेषफल वहां पे क्या बच रहा है, 4 बच रहा हो, तो उसका भी क्या होगा वहां पे डिजिटल सम क्या होगा, वहां 9 से डिवाइड करने में जो शेषफल बचेगा वही जो है उसका डिजिटल सम होगा। तो यहाँ देखिए 625 में हम सिंपली क्या करने वाले हैं, 9 से डिवाइड करने वाले हैं। तो 9 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सम क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप बात करें 9 6 54, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 6 2 8, ठीक है, 8 बचा और 9 9 81 बचा यहाँ पे 4, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे, 4 बच रहा है। अगर 9 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आया है, 4 बच रहा है इसका रिमाइंडर। और देखिए इन तरह से डिजिट का उनके सम दोनों क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी संख्या का डिजिटल सम। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा समय लगने वाला है, तो हमें डिवाइड नहीं करना है और भी इससे भी जल्दी हमें निकालना होगा कैसे हम डिजिटल सम निकालें। तो चलिए आइए और पॉइंट में जानेंगे कि डिजिटल सम को और भी ज्यादा जल्दी से कैसे कैलकुलेट करें। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी संख्या में बहुत सारे 9 दिए हो, ठीक है,
किसी भी संख्या में बहुत सारे 9 दिए हो, ठीक है, तो उनको क्या करना है, सिंपली हमें उनको कैंसिल आउट कर देना है, जो भी संख्या उसके अतिरिक्त उस डिजिट में बचेंगी, ठीक है, जो भी अंक उस डिजिट संख्या में बचेंगे, ठीक है, तो वहां पे उन्हीं संख्याओं का हम योग कर देंगे और तो वही क्या हो जाएगा, वहां पे उसका डिजिट सम बन जाएगा, ठीक है, डिजिटल सम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करने वाले हैं, अगर ये 59,991 की, तो अगर आप इसको सिंपली अगर आप जोड़ते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, जो मैं इस बार नियम बताने वाला हूँ, ठीक है। 9 × 3 = 27, 5 क्या हो जाएगा, 32 × 1 = 33, ठीक है, 33 आ जाएगा यहाँ पे, और 33 को जोड़ेंगे आपस में तो इसके डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि 9 को हमें कैंसिल आउट करना है, 9 को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर देना है, तो बाकी जो संख्याएं बचेंगी इसमें बाकी सारे अंक जो बचेंगे उन्हीं को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, तो इस तरह से उनका डिजिटल सम निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर 999 है तो देखिए इस संख्या में क्या है, 59,991 जो है इसमें जितने भी 9 होंगे उनको कैंसिल कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, बचा यहाँ पे 5 और 1, तो 5 और 1 को आपस में जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे डिजिटल सम क्या गया, 6। इस तरह से जोड़ के निकालिए, चाहे जो है 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए, इस तरह से भी डिजिटल सम हम निकाल सकते हैं। आइए और पॉइंट जानते हैं, इस तरह से भी अगर इस संख्या का डिजिटल सम निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, सिंपली 9 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे बचा 4 + 2 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, इसका एडिशन 7 आ जाएगा, तो इस तरह से इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 7 हो गया। ये पॉइंट जो है आपको रिमेम्बर रखना है, ये पॉइंट जो है आपको रिमेम्बर रखना है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए, तो ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है इसको। अगली ट्रिक की ओर चलते हैं, अगर जो है आपको किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकालना है तो क्या करेंगे कि इस संख्या में जो है, जैसे कि स्टूडेंट्स पीछे मैंने बताया कि कैसे हम डिजिटल सम क्विकली फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस आगे वाले भी स्लाइड्स में, इस वाले पॉइंट में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे और भी जल्दी जो है हम डिजिटल सम को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैंने बताया था कि संख्या में जितने भी अंक 9 हो, ठीक है, जितने भी अंक क्या हो, 9 हो, तो उनको हम कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, ठीक है, उसके अलावा जो अंक बचेंगे उनको ऐड करना था, तो डिजिटल सम निकल के आ रहा था। लेकिन हमें एक और पॉइंट ध्यान में देना है कि अगर उनमें जो है ऐसी संख्याएं हो जिनको आपस में जोड़ने पे उनका क्या है, एडिशन जो है 9 आ रहा हो, वहां पे एडिशन क्या हो रहा है, दोनों का 9 आ रहा हो, 2 या 3 संख्याएं उनको आपस में जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो उनको भी कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उस संख्या का डिजिटल सम पर। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है 534, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 534, ठीक है, इसका अगर आपको डिजिटल सम निकालना है, यहाँ पे देखिए 534 है, इसका डिजिटल सम निकालना होगा तो सिंपली क्या करना होगा, आपको जो है इन संख्याओं में ढूंढना होगा किसका किसका जो है योग 9 है, ठीक है, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, और बाकी बची संख्या क्या आ गई, 3 हो गई, तो यही इसका क्या हो गया, डिजिटल सम हो गया। आगे आने वाले इसमें देखेंगे, अगर आप बात करें 7 की, तो 7 के साथ ऐसा क्या जोड़े 9 हो जाए, तो यहाँ पे देखिए 7 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, और ये 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इनको भी अगर जोड़ेंगे तो क्या आ गया मेरा 9, तो इनको भी हम क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 8 है तो इसके साथ कोई भी इसको कैंसिल नहीं कर सकते, और 6 और 3 भी क्या हो गया, 9 हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी बचा यहाँ पे क्या, 8 नहीं तो बचा यहाँ पे 8 क्या हो गया, यहाँ पे इसका डिजिटल सम हो गया। देखा हमने क्विकली हम कर सकते हैं फाइंड आउट किसी संख्या का डिजिटल सम, ठीक है। आगे इस अंक को देखते हैं, इस संख्या को देखते हैं, इस देखिए इस संख्या में जो है हमें फाइंड आउट करना है कि जिन जिन डिजिट्स का एडिशन क्या हो, 9 हो, ठीक है, या फिर इस संख्या में 9 हो, तो अगर उनको जो है कैंसिल आउट कर दें, जो दो संख्याएं बचेंगी उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका डिजिटल सम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 5 के साथ अगर 4 को हम ऐड करें तो 9 हो जाएगा, ये भी 9 है बचा, और बाकी सारी संख्याएं 2, 1, 3 जो है वही बची है, तो आपस में इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा इसका डिजिटल सम। इस तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करें 4, 3, 7, 2, 9 ये भी हो सकता है, 7, 2, 9 भी हो सकता है, ठीक, तो यहाँ जो है 7 और 2, 9 हो जाएगा, 4, 3, 7, 1, 8, तो यहाँ पे जो है 8 जो है इसका डिजिटल सम हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर इस अंक में देखें तो अगर हम 9 को पहले कैंसिल आउट कर दें और 5 और 4 को अगर ऐड करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 9 आएगा, तो बाकी बचा क्या है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 बचा है यहाँ पे, तो यही क्या हो गया, इसका डिजिटल सम हो गया। तो समझ में आया कैसे हम डिजिटल सम फाइंड आउट करेंगे,
हमें अंकों को तो आपस में जोड़ना ही है, साथ में क्या करना है, 9 को कैंसिल आउट करना है, 9 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है डिजिटल सम पे। और क्या करना है यहाँ पे, और ऐसी संख्याओं को देखना है इसमें जिनके अंकों का योग क्या हो, 9 आ रहा हो, उनको भी क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि जो है इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद जो बची संख्या है उसको हम तुरंत ही जोड़ सकते हैं। ये हम माइंड में कुछ सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं डिजिटल सम, किसी भी कितनी ही बड़ी डिजिट हो उसको माइंड में ही फाइंड आउट करना है, बाहर कॉपी पेन पे आपको लिखना नहीं है, क्योंकि जो है एग्जाम्स में आपको कोई कुछ भी बहुत ही कम टाइम रहता है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप हल करते हैं एग्जाम्स में तो जो है आप जो है जल्दी जल्दी कोई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे दिया है किसी संख्या के जो है 9 के गुणांकों का भी डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसमें जो है 9 के गुणांकों में दिया हो, चाहे 27 हो, चाहे 18 हो, चाहे 9 3 27 9 4 36 हो, ठीक है, 45 हो, 99 हो, इन सभी जो है अगर बात करें इन सभी अंकों का डिजिटल सम क्या होगा, 9 ही होगा। देखिए 9 होगा, 6 3 9 5 4 9 9 9 18 8 1 9। ठीक है, इस तरह से जो है सभी संख्याएं जो 9 के मल्टीपल में होंगी उनका हम अगर डिजिट्स का हम एडिशन करेंगे तो क्या होगा, वहां पे 9 निकल के आएगा, तो वही क्या होगा उसका डिजिटल सम होगा। आइए कुछ और भी सारे चीजें देखते हैं, एडिशन रूल, ठीक है, और उसके साथ सब्ट्रैक्शन रूल देखते हैं, इसका एडिशन हो रहा हो जब संख्याओं में, या संख्याओं को हम आपस में घटा रहे हो, चाहे संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं, तो इस समय जो है उनका डिजिटल सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इसमें जानते हैं। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ 785 में 152 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे अगर आपको डिजिटल सम निकालना होगा इन दोनों संख्याओं का, तो क्या करेंगे आपस में, ये पहले इसका अलग निकालेंगे, फिर इसका अलग निकालेंगे, जो आएगा डिजिटल सम उनका आपस में जोड़ देंगे। चलिए आइए देखते हैं, 7 8 15 हो जाएगा, 15 5 20, और 20 का डिजिटल सम क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें 152 की, तो 5 1 6 2 8, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 में से 8 अगर घटा जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल सम इसका निकल के आएगा 1, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 1 आ गया। अब 962 में 151 घटा रहे हैं, ठीक है, तो इसका डिजिटल सम देखिए कैसे निकालेंगे, 962 है उसमें 151 घटा रहे हैं, तो हमने बताया था 9 जहां होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी संख्या को जोड़ेंगे, तो 9 है, देखिए 962 का अगर निकाल रहे हैं तो 9 को कट कर देंगे, 6 और 2 बचे, तो 6 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम 8 आ गया। ठीक है, 151 है यहाँ पे, इसका डिजिटल सम निकालना हो गया आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 151 है, तो 5 2 7 यहाँ पे आपस में अंकों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो इसको आपस में घटाएंगे तो इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया। डिजिटल सम क्या हो गया यहाँ पे, 1 आया। अगर बात करके हम मल्टीप्लाई हो रही हो तो कैसे करेंगे डिजिटल सम, तो पहले क्या करेंगे, अलग अलग जो भी मल्टीप्लाई हो रही संख्या है उनका अलग अलग हम डिजिटल सम निकालेंगे, उसके बाद जो संख्याएं आएंगी लास्ट में वन डिजिट में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, 35 को आप लिख सकते हैं 8, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 8 5 3 8। 16 को क्या डिजिटल सम लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 6 1 7। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 56। ठीक है, 56 का डिजिटल सम क्या हो गया, 11, 56 को आपस में जोड़ेंगे क्या, 5 और 6 आपस में जोड़ते हैं, 11 आ गया, और 11 का डिजिटल सम क्या आ गया यहाँ पे, 2। तो इस तरह से 35 × 16 का डिजिटल सम क्या आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। तो इस तरह से आपको डिजिटल सम निकालना है। आइए इसका और भी जानते हैं पॉइंट्स इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, ठीक है, गणितीय गणनाएं हो रही है, कोई भी चीजें हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हमें अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल सम निकालना होगा। तो अगर बात करेंगे डिजिटल सम की, तो बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ के अंकों का जो डिजिटल सम होगा वहां पे दोनों तरफ के अंकों का डिजिटल सम बराबर होगा, तभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ देखिए अगर बात करें 12 × 16, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आएगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं क्या दोनों तरफ का डिजिटल सम इक्वल है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर 12 का डिजिटल सम निकालेंगे तो इसका आएगा 3। ठीक है, और 16 का डिजिटल सम 6 1 7 हो गया, और 192 का डिजिटल सम की बात करें, ठीक है, 192 की डिजिटल सम की बात करें, 9 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 1 3, इसका डिजिटल 3, और 7 3 21 आ गया, 21 का डिजिटल सम 3, और 3 दोनों तरफ आ रहा है, देखिए इधर का भी डिजिटल सम 3 हो गया, इधर का भी डिजिटल सम 3 हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ का डिजिटल सम क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे किसी तरफ का भी मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो दोनों इस तरह के होंगे तो भी दोनों तरफ का जो है बराबर के दोनों तरफ का जो है डिजिटल सम क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। आइए बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो है इनका डिजिटल सम निकालना होगा, 4 4 8 1 9, 4 4 8, ठीक है, 4 4 8 1
9 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 में 0 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम 9 ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें 120 का डिजिटल सम तो यह 3 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे डिजिटल सम इसका हो जाएगा 3, ठीक। इधर से अगर इनका डिजिटल सम की बात करें तो 1770 का अगर डिजिटल सम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा डिजिटल सम 1770 को 7 1 8 7 15, ठीक है। तो 15 जो है, 15 जो है यहाँ पे आया, तो 5 1 6, तो यहाँ 6 इसका डिजिटल सम हो गया। अगर बात करें 9 3 12 3 15 15 15 दोनों तरफ हो गया, तो 6 बराबर 6 दोनों तरफ का डिजिटल सम हो गया, ठीक है। आपस में जोड़ देना है जो भी अंक आएगा, जैसे मान लीजिए इसको जोड़ा मैंने 15 आया, 15 के अंकों को आपस में जोड़ा 6 आया, ठीक है। इधर देखिए इन सब के अंकों को आपस में मैंने जोड़ दिया, 7 1 8 7 15 15 आया, तो उसको भी अंकों को जोड़ा तो मेरा आ गया 6 आ गया, ठीक। तो दोनों तरफ देखिए 6 6 बराबर आ रहा है दोनों तरफ के अंकों का योग। और बात करें यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 12,570 में से 4,322 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 8,248 आ रहा है। तो इनके डिजिटल सम की बात की जाए तो यहाँ बात करेंगे 12,570 के डिजिटल सम की, तो 7 2 9 यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि 9 हो रहा है, बाकी बची संख्याएं 5 1 6, तो ये इसका डिजिटल सम 6 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 3 7 2 9, ये कट जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, और ये जो हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर की बात करेंगे बराबर की, इधर का 8,248 का डिजिटल सम की बात की जाए तो यहाँ पे आपका निकल के आने वाला है 8 2 10 4 14 8 क्या 22 जो है डिजिटल सम आया, तो यहाँ 22 को लिख सकते हैं 4, ठीक है। और यहाँ जो है 6 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे 4, इधर भी क्या गया 4, तो दोनों तरफ का देखिए डिजिटल सम 4 और 4 बराबर है। तो इस तरह से जो है डिजिटल सम जो है यूज कर सकते हैं आप जो है ऑप्शन में अपने। आइए जानते हैं डिजिटल सम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, समझते हैं इसको, ठीक है। अगर आप बात करते हैं अप्रॉक्सिमेशन वैल्यू की और डिवीजन की, ठीक है, अगर किसी भी संख्या में लगभग लगभग मान निकालना हो या फिर जो है डिवीजन हो रहा हो या भाग दिया जा रहा हो, तो वहां पे जो है ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिजिटल सम का मेथड वहां पे लागू नहीं होने वाला है, ठीक है। वहां पे भाग हो रहा हो, चाहे वहां पे जो नंबर रेशनल नंबर रेशियो में हो, कुछ है 5/6 7/8 इस तरह से नंबर दिए हो, तो वहां पे अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे डिजिटल सम को, ठीक है। अगर वहां पे अगर देखिए डिजिटल सम किसी भी संख्या का डिजिटल सम, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो उसको 9 से कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे वहां पे 0 आ रहा है किसी चीज का डिजिटल सम, तो वहां पे उसको हमेशा 9 ले लेंगे, क्या लेंगे 9, 0 नहीं रखना है वहां पे डिजिटल सम। अगर बात की जाए अगर कोई संख्या माइनस में हो तो उसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, जैसे -2 है, इसका डिजिटल सम क्या करेंगे 9 में से 2 घटा देंगे 7 आ गया इसका डिजिटल सम। तो हमेशा डिजिटल सम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेना है आपको डिजिटल सम को, हमेशा पॉजिटिव में लेना है। -3 हो जाएगा तो इसका डिजिटल सम 9 -3, तो यहां पे आ जाएगा 6, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं -4 के डिजिटल सम की, तो अगर जो है इसमें 9 में से 4 घटा देते हैं तो -4 का जो डिजिटल सम आ जाएगा तो यहां पे 5 आ जाएगा इसका डिजिटल सम। और बात करें दशमलव और परसेंटेज की, ठीक है, दशमलव संख्याएं हो चाहे वहां पे परसेंटेज निकाल रहे हो, ठीक है, तो इस ये सारी चीजें जो है डिजिटल सम पर इंपैक्ट नहीं करने वाली है, अपना प्रभाव नहीं डालने वाली है डिजिटल सम पर, ठीक है। अगर कोई संख्याएं देखिए यहाँ पे दशमलव में डेसिमल में दी गई हो, जैसे 7.28 हो गया, 72.8 हो गया, 728 हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों का डिजिटल सम क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है, 7 2 9 8 17 7 1 8 8 8 8 सबका जो है डिजिटल सम होगा, चाहे दशमलव कहीं भी लगा रहे, अगर अंक जो है इसमें डिजिट अगर इक्वल है तो यहाँ पे डिजिटल सम भी क्या होगा इक्वल होने वाला है, चाहे दशमलव कहीं भी लगा रहे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम का उपयोग, मैंने डिजिटल सम के बारे में बहुत सारा बताया इस वीडियो में, तो अभी जो है हम बात करने वाला है डिजिटल सम का उपयोग हम कहां करेंगे, ठीक है। तो हम बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। चलिए आइए जानते हैं कैसे डिजिटल सम का उपयोग करेंगे, ठीक है। डिजिटल सम में जो दिया होगा ऊपर क्वेश्चन और एंसर, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो है आपको ऊपर क्वेश्चन दिया होता है एग्जाम में और उसके नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन का पहले डिजिटल सम निकालना है, कुछ आएगा डिजिटल सम, अगर वो जो है डिजिटल सम इस आंसर के किसी भी आंसर के डिजिटल सम के अगर बराबर हो जाए, ठीक है, चारों में से किसी के एक के बराबर होगा ही, तो अगर वो देखिए बराबर हो जाएगा डिजिटल सम, तो वही जो है जिसके बराबर हो गया डिजिटल सम वही ऑप्शन हो जाएगा उसका सही आंसर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है किसी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 73 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 73 को 73 × 73 लिख सकते हैं, 73 का अगर आप जो है डिजिटल सम फाइंड आउट करेंगे
तो 7 × 3 = 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपको ऑप्शन में चेक करना है किसका डिजिटल सम 1 है, तो यहाँ पे चेक करेंगे इसका जो है 5 × 3 = 8, इसका डिजिटल सम 8 है, ये नहीं है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 5 × 4 = 9, तो इसका डिजिटल सम 9 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ठीक है। यहाँ अगर बात करें 5 × 5 = 10, तो यही जो है इसी का डिजिटल सम 1 आ रहा है। आप देखिए इसकी संख्याओं को आपस में जोड़िए और देखिए इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यही जो है सही ऑप्शन है 5329, ये जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें संख्या को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, उसका डिजिटल सम निकालना है, आंसर को चेक करना है किसका डिजिटल सम उसकी क्वेश्चन के डिजिटल सम के बराबर है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो। अगर 76 के डिजिटल सम की बात की जाए तो यहाँ 76 स्क्वायर जो है इसको निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो 76 का अगर स्क्वायर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 76 स्क्वायर को 76 × 76 लिख सकते हैं, और 7, 6, 13 इसके अंकों को आपस में जोड़े तो 13 आएगा, ठीक है। और 13 को आपस में जोड़े तो 4, 4 आ जाएगा, 4, 4 आएगा, और 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 16 के अंकों को आपस जोड़ देंगे क्या आएगा, 6, 1, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 7 आ गया। आपको आंसर में चेक करना है जिसका डिजिटल सम जो है 7 होगा, जिसका भी डिजिटल सम आंसर का 7 होगा वही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए चेक करिए ऑप्शन चारों को, 5, 4, 9, ठीक है, 1, 10 हो गया, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। अरे आप बात करें 7, 5, 12, 7, 19, 19, 6, 25, तो इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 76 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू ये 5776 हो जाएगी। इस तरह से आपको डिजिटल सम फाइंड आउट करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और डिजिटल सम को और अच्छे समझते हैं। अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज के कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम में चाहे एसएससी के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अगर यहाँ पे हम डिजिटल इस क्वेश्चन को बार से फिर से नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आपका है 44% ऑफ 125 प्लस 75% ऑफ 840 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, कितना होगा इसका मान, इसमें से किसी को एक को जो है सिलेक्ट करना है, समझ आया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सिंपली करना है इनका सभी का डिजिटल सम निकालना, जहां ऑफ लगा है वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां ऑफ लगा है वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 44% आप 125 को आप लिख सकते हैं, 44 को जो है 44 का डिजिटल सम आपको लिखाना है, तो यहाँ 8 हो गया, 44 का डिजिटल सम 8 हो गया, इंटू 125 का भी डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐड करते हैं आपस में 125 को, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 44 का भी क्या हो गया, 8 हो गया। अब 75 के डिजिटल सम की बात की जाए, 75 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7, 5, 12, 2, 1, 3, इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस बीच में तो प्लस लगा देंगे, प्लस वाला चीज यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो 75 का जो है डिजिटल सम की बात की जाए, 7, 5, 12 हो गया, 12 में अगर 2, 1, 3 हो गया, ठीक है, 12 में 1 और 2 संख्याएं होती है, उनका डिजिटल सम क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से 8, 4, 12 इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजिटल सम निकल के आने वाला है 3। तो यहाँ पे अगर बात करें डिजिटल सम की, तो 8, 8, 64 यहाँ पे क्या हो गया, 64 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 3 के 9, 64 की बात करें तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6, 4, 10 और 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी जो है 10 आ रहा है, तो इसका डिजिटल सम क्या है, 1 है, ठीक है, 9 जोड़ेंगे 10 आएगा, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो इस पूरे जो क्वेश्चन का डिजिटल सम यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। और आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम क्या है, 1 है, आपको चेक करिए, इसका जो डिजिटल सम 1 नहीं लग रहा है, इस वाले का 6, 6, 6, 12, 6, 18, 8, 9 इसका भी नहीं है, और इसका चेक करिए 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19 को अगर आप करेंगे तो 9, 1, 10 हो जाएगा, तो इसी का डिजिटल सम क्या है, 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, इसका आंसर क्या है, 685 है, तो ये जो है इसके जगह क्या होगा, 685, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 22% ऑफ 250 और 35% ऑफ 460 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली इनका डिजिटल सम निकालते हैं, 22 का डिजिटल सम 4 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 250 का डिजिटल सम क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 35 का डिजिटल सम क्या हो गया, 8 होगा, इंटू कर देंगे 6, 4, 10, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 7, 4, 11 हो गया, यहाँ पे 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी, 7, 4, 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 का जो है डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 10
आठ दो दस हो जाएगा, इसका डिजिटल सम वन और प्लस क्या हो जाएगा आठ एकम आठ, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया नाइन हो गया। और आप चेक करेंगे किसका डिजिटल सम नाइन आ रहा है, किसका डिजिटल सम नाइन आ रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल सम नाइन आ रहा है उसी को जो है वो सही आंसर होगा। तो आप देखेंगे 216 का देखिए डिजिटल सम नाइन आ रहा है, दो एक तीन छह नौ, ठीक है इसी का जो नाइन आ रहा है, बाकी सारी संख्याओं का नाइन नहीं आ रहा है। देखिए आप जोड़ सकते हैं, तो आप जो है सिंपली जो है 216 इसका सही आंसर है। आप जो है अगर जो ट्रेडिशनल मेथड आप जो है ट्रेडिशनल मेथड जो मैथमेटिक्स में आप हल करते हैं उस तरह से चलते हैं, तो आपका जो है 3 से 4 मिनट टाइम इसमें लगने वाला था, लेकिन मैंने कुछ ही सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आप सभी को बताई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, यहां पे दिया है 56% ऑफ, ठीक है 56% ऑफ 958 और 67% ऑफ 1008, तो ये कितना परसेंट है 2000 का, कितना परसेंट है 2000 का। तो आप जो है सिंपली क्या करना है, इनका डिजिटल सम निकालते हैं, ठीक है इसको ले लेते हैं x, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे ले लेते हैं x, और 65 का डिजिटल सम 6511 होगा, 11 को लिख सकते हैं 2 इंटू इसका देखेंगे 985 का डिजिटल सम की बात की जाए 8513, ठीक है 8 5 क्या हो जाएगा 13 और 3 1 4 13 में ये इसका डिजिटल सम क्या हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पे जो है 67 का डिजिटल सम की बात की जाए 7 6 13 और 13 का भी 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक और 1008 के डिजिटल सम की बात की जाए यहाँ पे तो 8 1 9 होने वाला है यहाँ पे, तो 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के इधर की बात की जाए तो यहाँ पे x रख देते हैं इंटू यहाँ पे 2000 है, 2000 का डिजिटल सम क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक यहाँ जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपली क्या करना है मल्टीप्लाई 4 2 8 और प्लस क्या हो जाएगा 9 4 36 और 6 3 9, 9 4 36 9 का कोई भी मल्टीपल हो उसका भी डिजिटल सम 9 ही होगा, मैंने बताया था पीछे। इसे 9 8 17 9 8 जोड़ते हैं 17 और 17 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, 17 का डिजिटल सम 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 4, जो x होगा उसका डिजिटल सम क्या आ गया 4 आ रहा है। ठीक है x बराबर क्या हो गया 4, अब चेक करेंगे क्वेश्चन में किसका डिजिटल सम 4 है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां देखते हैं किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अगर बात की जाए 7 और 2 9 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं 6 4 10 10 6 16, तो इसका डिजिटल सम क्या आ गया 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है यहां इसको चेक करते हैं तो 4 2 6, ठीक है 6 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 14 6 क्या हो जाएगा 20, इसका डिजिटल सम 20 हो रहा है ये भी नहीं होगा। इस तरह से इसकी बात की जाए तो 6 5 11 2 13, ठीक है ये 9 को हम कैंसिल कर देंगे तो 6 5 11 2 13 3 1 4, इसी का डिजिटल सम क्या आ रहा है 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से यहां पे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है दिया हुआ, तो यहां पे अगर बात की जाए 42% ऑफ 445 और 25% ऑफ 354 बराबर क्या होगा। ठीक है यहां पे अगर 42% ऑफ 445 निकालेंगे आप तो क्या करेंगे यहां पे तो इसका डिस्टेंस हम निकालिए 42 का 4 2 6, ठीक है 4 4 8 5 13, इसका 4 हो जाएगा डिजिटल सम 445 का, उसी तरह से 5 2 7 25 का 7 डिजिटल सम हो जाएगा, इंटू कर देंगे यहाँ पे 5 3 8 4 12, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। ठीक है 6 4 24 और 7 3 21, ठीक है यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 1 3, तो यहाँ जो है अगर इनको जो है देखेंगे आप तो 6 में से अगर 3 को आप घटा दें तो क्या गया यहाँ पे 3, तो इस संख्या का यहाँ पे आंसर का डिजिटल सम आना चाहिए 3, ठीक है क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम इधर का क्या गया 3 आ रहा है, तो इक्वल टू के उधर का भी डिजिटल सम बराबर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं सिंपली 9 5 14 14 8 क्या हो जाएगा 22 होगा, 14 8 22 होगा, लेकिन इसका डिजिटल सम 22 का 4 हो गया। ठीक है इसका डिजिटल सम 4 हो गया तो ये भी नहीं है, और इसकी बात करें 9 8 17 17 4 क्या हो जाएगा 21, 17 4 21 हो जाएगा, तो यही जो है इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है ये आ रहा है 21 का 3, ठीक है तो यही जो है ऑप्शन नंबर जो है ये बी सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां पे दिया है एक तरह का क्वेश्चन यहां पे
637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 बराबर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको इसको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, डिजिटल सम के मेथड से बताएंगे, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जितने भी 9 आ रहे हैं इसमें इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके डिजिटल सम की, तो 6 3 9 हो रहा है यहाँ पे, इसको काट देंगे, 7 2 9 हो रहा है यहाँ पे, इनको कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी बचा 8, यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ देखिए 8 1 9 हो गया, 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे क्या हो गया यहाँ पे 18 होगा, 18 का मतलब 9, तो इसका डिजिटल सम क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया निकल के। प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो इनका डिजिटल सम की बात करें, यहाँ 7 2 9 हो गया और ये 9 कट गया, तो यहाँ पे इसका डिजिटल सम क्या हो गया 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी, तो 8 में जो है 8 16 हो गया, 16 में से अगर 9 की घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, 16 में से 9 घटे क्या जाएगा यहाँ पे 7 आएगा, 8 8 16, 16 में से 9 घटा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है इसमें जो है जिसका भी डिजिटल सम जो होगा 7 होगा, डिजिटल सम जिसका भी 7 होगा वही, तो जिस भी संख्या का डिजिटल सम इसमें 7 होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ चेक करते हैं 3 2 5 2 7, इसी का डिजिटल सम 7 आ रहा है, तो 7 इसी का डिजिटल सम है, तो यही सही आंसर है। इधर आप देखेंगे 4 3 7 1 8, ठीक है, 4 4 8 1 9, ये भी नहीं हो रहा है, 3 3 6 7 5 12 3 आ रहा है इसका डिजिटल सम, तो पहला ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 है, तो ये जो है सही आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको समय बचाना है एग्जाम में, आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं ये कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे दिया हुआ है 333.33 प्लस 33.33 प्लस 3.33 प्लस 30.003 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, तो सिंपली क्या करने वाले हैं हम करने वाले हैं कि सिंपली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम जो है पहले फाइंड आउट करेंगे डिजिटल सम, उसके बाद जो है ऑप्शन को ऑप्शन से कंपेयर करेंगे और सही आंसर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे 3 3 3 ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इन संख्या का डिजिटल सम क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, इसका डिजिटल सम की बात करें 3 3 3 काट सकते हैं, इसका डिजिटल सम 3 हो गया, 3 3 9, तो इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिजिटल सम 6 हो जाएगा। इस तरह से अगर आपस में जोड़ दें 6 3 9 9 18, ठीक है, 6 3 9 9 18, 18 6 24, 18 6 24 हो जाएगा, तो 24 का डिजिटल सम क्या हो गया 6 हो गया, 24 का डिजिटल सम क्या हो गया 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जिस भी संख्या का डिजिटल सम 6 होगा वही जो है इसका सही आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है यहाँ पे, 9 9 9 9 9 कैंसिल आउट करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या गया 3 आएगा, ये भी नहीं है, और इसकी बात करें 9 9 कैंसिल आउट, 3 3 3 ये 9 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और बात करें इसका 9 9 9 9, ठीक है, ये कट गया, और बाकी अंकों को जोड़े तो इसका डिजिटल सम देख रहे हैं 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर है। आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी इसमें नहीं, आपने क्वेश्चन देखा है अपने मन में डिजिटल सम किया और आंसर देखा है इसमें ऑप्शन को उनका डिजिटल सम दिखा और दोनों इक्वल हुआ लगा दिया आपने सही आंसर, ठीक है। अगर आप एड भी करें ना तो इतना ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। इस तरह से जो है आप क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इसको सॉल्व करिए, ये जो है बहुत ही सिंपल भी है और अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। इसका डिजिटल सम की बात करें पहले, सीधे हम क्या करेंगे अंकों का डिजिटल सम निकालेंगे, तो पहले हम 100.86 का डिजिटल सम की बात करें तो 8 1 9 8 1 9 हो रहा है, इसको काट देंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन 9 हो रहा है, तो बाकी बचा है यहाँ पे 6, तो यही 6 इसका डिजिटल सम हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो है 6 2 8 8 16 16 2 क्या हो जाएगा 18 18 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, 24 का इसका भी डिजिटल सम 6 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें 4 यहाँ यहाँ पे तो 8 1 9 हो जाएगा, 6 4 10 7 17 7 1 8, इस तरह से डिजिटल सम यहाँ पे निकला, तो 6 और 6 तो यहाँ पे डिजिटल सम इसका -8 आया, इसका डिजिटल सम क्या गया -8 आया, 9 में से 8 घटा 1 आया, 9 में से देखेंगे आप जो है 6 में से 6 घटेगा 0 हो गया और 8 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -8 आया तो इसका डिजिटल सम की बात करें तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि जिसका माइनस में होता है उसको 9 में से घटा देते हैं, 9 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा डिजिटल सम 1 आ गया।
ठीक है, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम वन होगा उसको चेक करेंगे और वो सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आप चेक करिए सिंपली, इसका डिजिटल सम नहीं है, 3 3 6 3 9, ठीक है, इसका भी 9 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं होगा, 3 3 6 3 9, इसका डिजिटल सम 1 आने की संभावना है, 6 4 10, 10 आया तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, और इसका देखिए 3 3 6 3 9 ये कट जाएगा, ये भी देखिए 9 कट गया, 9 6 15 6 आएगा, तो यही है ऑप्शन नंबर सी जो है जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा है जो इसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इस तरह से जो है ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।